फिश गैस सिलेंडर वाला। जुगाड़ नाम के एक गांव में सिप्पी नाम का एक व्यक्ति समुद्र से मछलियां पकड़कर उन्हें अच्छे से फ्राई करके बेचता था। स्वाद और क्वालिटी अच्छा रहने के कारण लोग भी ज्यादा आते थे। एक बार सिप्पी के पास पप्पू नाम का एक व्यक्ति आया। सिप्पी से पप्पू, क्यों भाई, लगता है कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे भी तुम्हारे जैसा लालची आदमी जैसे तैसे करके काम चला लेगा। कहा सिप्पी तब, तुम चाहे मेरी जितनी भी तारीफ करो, मैं तुम्हें एक रुपया तो छोड़ो मछली का एक कांटा भी नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। कहा पप्पू तब, देखो भाई, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, तुम्हें एक अच्छी सलाह देने आया हूँ। मेरे पास एक स्पेशल गैस है, अगर उसके ऊपर किसी चीज को लगाए तो उसके अंदर के टिश्यूज को फुला देगी और वो चीज बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक 2 घंटे के बाद वो चीज छोटी हो जाएगी। अगर तुम इस गैस पे मछलियों को लगाए तो 2 किलो की मछली 10 किलो की होगी, क्या कहोगे। कहकर अपने पास मौजूद गैस सिलेंडर पे मछली को रखकर दिखाया। गैस लगते ही वो मछली सिप्पी के आंखों के सामने ही बहुत बड़ी हो गई। उसे देखकर सिप्पी बहुत खुश हो गया और पप्पू की तारीफ करने लगा। वो पप्पू से गैस सिलेंडर लेने के लिए मान गया। बाद में पप्पू सिप्पी के पास से पैसे लेकर चला गया। तब से सिप्पी मछलियों को उस गैस सिलेंडर पे रखकर उन्हें फ्राई करने लगा। मछली के टुकड़े बहुत बड़े बड़े होने के कारण लोग भी उमड़ कर आने लगे और खरीदने लगे। मगर वो मछली के टुकड़े लोग घरों को ले जाने के बाद छोटे होने लगे। उन्हें देखकर लोग आश्चर्य में पड़ने लगे। एक बार सब मिलकर सिप्पी के पास आए। सिप्पी से एक आदमी, ये क्या भाई, परिवार के साथ मिलकर खा सकते हैं सोचकर एक बड़े से टुकड़े को 500 रुपए देकर खरीद कर ले गया था, मगर अब वो टुकड़ा 50 रुपए का टुकड़ा बन गया। कहा सिप्पी, होगा ना, पूरा गांव जो घूम के गए हो वो मछली का टुकड़ा तुमसे रूठा है, उसे सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही खाना है। दूसरा टुकड़ा दे रहा हूँ, इस बार ये नहीं रूठेगा। कहा तब दूसरा ग्राहक, भाई ये सिप्पी 2 घंटे कह रहा है तो जरूर दाल में कुछ काला है, इसका धोखा क्या है, पता करना हो तो इसके दुकान के अंदर जांच करना पड़ेगा। कहा तब सारे लोग मिलकर दुकान के अंदर ढूंढने लगे। तब एक ग्राहक गैस सिलेंडर को देखकर, ए, ये गैस सिलेंडर साधारण गैस सिलेंडर के जैसे नहीं है, ये अजीब है। कहा सिप्पी तब, तुम कौन हो रे, तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, हमारे बीच में आकर नाटक कर रहे हो क्या, तुम कहाँ से आए हो। पूछा ग्राहक तब, मैं कौन हूँ तो तुम्हें क्या भाई, पहले ये सिलेंडर क्या है बताओ, मुझे तुम पर शक है, इसे चेक करूंगा। कहकर मछली को गैस के ऊपर लगाया। बस लोगों के आंखों के सामने वो मछली बहुत बड़ी बन गई। उसे देखकर लोगों में से एक औरत, बाप रे, चोर कहेंगे, कितना बड़ा धोखा दिए, हाय वो गैस इस निकम्मे को लगाओ, इसे सबक सिखाओ, तब जाकर ये बदलेगा। कहते ही लोग मिलकर सिप्पी को पकड़कर जबरदस्ती उसके अंदर गैस लगाए। बस सिप्पी बहुत मोटा होकर हवा में उड़ने लगा। जे देखकर लोग वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद हवा में उड़ रहे सिप्पी के पास पप्पू आया। उसे देखकर सिप्पी बचाने के लिए पूछा, तो पप्पू, तुम्हें क्यों बचाऊंगा रे, मैं तुम्हें ऐसे हवा में उड़ाने के लिए ही गैस सिलेंडर का आइडिया दिया था। रे मैं कौन हूँ जानते हो, तुम शहर में जिस पटवारी को धोखा देकर यहाँ आए थे, मैं उनका बेटा हूँ, ऐसे ही उड़ते रहो तुम मेरे पिता को धोखा दोगे। कहकर वहाँ से चला गया।